नमो तो नारायण ओम शम शनिश्चराय नम ओम शम शनिश्चराय नम राशि के सभी मित्रों को सभी भाई बहनों को सभी जातक जातिकाओं को, संपूर्ण राष्ट्र के सभी मित्रों को दाती महाराज का हृदय से नमो नारायण जय गो माता वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम कर्क राशि राशि अधिपति चंद्रमा और भावों से भरी राशि है ये अद्भुत राशि है 11 मई सन 2020 को भगवान शनिदेव वक्री हुए थे और उनतीस सितंबर 2020 तक वक्री रहेंगे उनतीस सितंबर को प्रातःकाल देवादिदेव शनिदेव स्व मकर में मार्गी होंगे मार्गी शनि स्वराशि मकर में मार्गी शनि कर्क राशि के लिए क्या संकेत दे रहा इस विषय पर आ रहा हूं और उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कर्क राशि वालों शनि सप्तम भाव स्वराशि मकर में मार्गी होगा सूर्य और शनि का नवम पंचम योग है राहु और शनि का नवम पंचम योग ध्यान रखिएगा सूर्य पिता है शनि के लाभ देंगे राहु और शनि का एक ही प्रभाव होता है लाभ मिलेगा और बृहस्पति और मंगल का म पंचमी हो कर्क राशि वालों संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों की गणना और मेरा अनुभव यह कह रहा है कि थोड़ा सा मुस्कुराइए थोड़ा सा कि मुस्कराना बहुत जरूरी और मुस्कराना संपूर्ण समस्याओं का समाधान है।, है थोड़ा सा मुस्कुराई और सुनिए जरा प्यार से क्या कह रहा हूं क्योंकि ग्रह नक्षत्र यह संकेत दे रहे हैं देवादिदेव शनिदेव की अपार कृपा आप पे बरस रही है आपके लिए यह समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है कैरियर और कारोबार संबंधी संपूर्ण परेशानियों से कर्क राशि वालों मुक्ति मिलेगी रुका धन प्राप्त होगा व्यक्तित्व विकास का अवसर मिलेगा आप समाज में अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे जो आप हैं वो समाज के सामने आएगा मान सम्मान यश और कीर्ति में वृद्धि होगी गोचर यह संकेत दे रहा है कि निजी जीवन बहुत अनुकूलता अनुभव करेगा इस ऐसा ग्रह गोचर का संकेत है वाणी में मधुरता आएगी वाणी में सहजता आएगी निश्चलता आएगी और मधुर वाणी की वजह से चारों ओर आपकी ख्याति फैलेगी वाणी की वजह से परिवार कैरियर कारोबार नौकरी में स्थिति आपकी बड़ी अनुकूल और लाभदायक रहेगी अचानक पुराने रुके हुए काम प्रारंभ होंगे उनमें सफलता मिलेगी आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी नौकरी और कैरियर के हिसाब से भी यह समय आपके लिए बड़ा अच्छा है बात सुंदर समय परंतु साझेदारी के कार्यों में सावधानी बरतना होगा धन की कमी नहीं है मेरे मित्र आपके लिए लेकिन संतुष्टि नजर नहीं आ रही जरा यह देख लेना काम नहीं रुकेगा आपका कर्क राशि वालों कोई काम नहीं रुकेगा भाई बस थोड़ा सा संतुष्टि के भाव पैदा करो हां यह भी देख रहा हूं कि जो लोग शेयर मार्केट में है उन्हें सफलता मिलेगी कैरियर कारोबार नौकरी संकेत अच्छे हैं और पारिवारिक सदस्यों का भी व्यवहार आपकी प्रति अच्छा रहेगा परिवार के साथ रहने का अवसर मिलेगा पारिवारिक मनमुटाव से मुक्ति मिलेगी वैवाहिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी शादी विवाह के मसले हल होंगे और आप अविवाहित है तो शादी विवाह का प्रबल योग है बस एक छोटी सी सलाह है पारिवारिक निर्णय में जल्दबाजी नहीं करें परिवार परिवार होता है और मूली हमेशा पत्तों से अच्छी लगती है जिस मूली पे पत्ते नहीं होते ना तो मूली इतनी सुंदर नहीं लगती है तो परिवार एक शोभा है जीवन की एक श्रृंगार है जीवन का उतार चढ़ाव किसके साथ नहीं होता है कर्क राशि वालों तो परिवार के साथ बैठना बहुत जरूरी है आप युवा और विद्यार्थी हैं तो युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल और बहुत ही लाभदायक समय है हाँ इतना जरूर है कि परिश्रम कठिन करना होगा सफलता मिलेगी लेकिन परिश्रम में कमी नहीं होनी चाहिए और एक बात मैं और देख रहा हूं कि कार्य सफलता तो आपके साथ है लेकिन अनुशासन में रहना बहुत जरूरी होगा माता पिता की आज्ञा की पालन करें और व्यर्थ की जो मित्र मंडली है हां में हाँ जो मिला था वो मित्र नहीं होता मेरे दोस्त व्यर्थ की मित्र मंडल से दूर रखें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अनुकूल है कोई लंबी बीमारी नजर नहीं आ रही पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी हां मौसमी जो जो वेदर चेंजिंग है उससे सावधान रहना होगा और कोई हड्डी संबंधी बीमारी पहले से है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें कर्क राशि वालों यह था संकेत क्र नक्षत्रों का कि जो उनतीस सितंबर को भगवान शनिदेव स्वराशि मकर में मार्गी हो रहे कि क्या संकेत आपके लिए था वो मैंने बताया अब सावधानी सावधानी यह है कि नशा करके मदिरे का सेवन करके किसी तरह का नशा करके वाहन चलाना मई 2021 तक आपको नुकसान का संकेत दे रहे जरा आप देख लेना वाहन नहीं चलाएं नशा करके और लंबी यात्रा में तो कतई ही नहीं जाए साझेदारी के कार्य में विशेष सावधानी बरतें आलस्य से बचे क्योंकि आलसी आपके लिए नुकसान का कारण होगा यह था सावधानी अब परेशानियां हैं तो समाधान आपके सामने है कर्क राशि वालों भगवान शिव को प्रसन्न रखिए सब कुछ ठीक रहेगा हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शम नील लोहिताय नम भगवान शिव के बीज मंदिरों का जाप करते भगवान शिव का हर रोज मीठे जल से अभिषेक करिएगा सारे कष्ट मिटेंगे और हर रोज सायकाल यानी सूर्यास्त के आधा घंटे बाद पीपल के पेड़ के नीचे ससरों का तेल का दीपक जलाए और थोड़ी देर वहाँ बैठिए और वहां बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए शनिवार के दिन गरीब निर्धन कन्याओं को अपने हाथ से लड्डू दीजिए बड़ा लाभदायक रहेगा और आने वाले इन छह महीनों में हर रोज घर की दूसरी रोटी कुत्ते के लिए निकाली पहली रोटी गाय के लिए और दूसरी रोटी, रोटी कुत्ते के लिए और तीसरी रोटी कौए के लिए ये छह महीने अपने जीवन का हिस्सा बना दीजिए संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा एक प्रयास किया कि मकर राशि में देवादिदेव शनिदेव का मार्गी होना कर्क राशि के लिए क्या संकेत दे रहा है क्या सावधान और क्या समाधान अपना अनुभव आपके सामने रखा सेकंड उपनयन का अधिकार आपका है आपका थार आप ही क्या रहेगा पुनः भगवान शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण